नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अलीशा गुप्ता। हम आ पहुंचे हैं पटना के इस्कॉन टेंपल में, जिसका उद्घाटन कल हुआ है। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं और कुछ जानकारी देते हैं, आइए। वाओ, क्या नज़ारा है, कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, देख सकते हैं आप। इस तरफ से शुरुआत करिए और पहले मंदिर का दृश्य दिखाइए, कितना ज़्यादा सुंदर है, आइए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग एकत्रित हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि पटना का सबसे पहला इस्कॉन टेंपल है। हमारे बिहार में इस्कॉन टेंपल ऐसा नहीं था, जिस तरह से ये बनाया गया है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की लागत है इस मंदिर में और 10 से 12 साल लगा है इस मंदिर को बनने में 10 से 12 साल लग गया है, तब जाके ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। मुझे नहीं लगता है कि पटना में इतना सुंदर मंदिर कभी था। ये सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, पटना का इस्कॉन टेंपल। आइए और भगवान का भी आपको दर्शन करवाते हैं। कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आए, स्पेशली ये इस्कॉन टेंपल देख। हाँ, एक्चुअली जब हमें पता चला था क्या कि यहाँ पे न्यू टेंपल्स इनोग्रेशन हुआ है अभी रिसेंटली, 1 वीक हुए हैं, तो डेफिनेटली मेरे डैड ने भी बोला कि एक बार जाके विजिट करके आओ, बहुत अच्छा है और काफ़ी पीसफुल प्लेस है। किसके साथ आए हैं? हम मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सब। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, पूरे बिहार का जो बेस्ट ऑफ वन है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिहार में पहले कभी ऐसा मंदिर नहीं था? नहीं, बिहार में पहले नहीं था डेफिनेटली। हाँ, दिल्ली में मैंने जरूर देखा है राधेश्याम मंदिर, लेकिन बिहार में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा और फर्स्ट मंदिर है। क्या लगता है, मतलब ये मंदिर बनने के बाद अब बिहार थोड़ा डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं? बिहार एक्चुअल में पिछले 5 साल में तो मैं कहूँगा कि बहुत डेवलप कर रहा है, एंड यहाँ तक सोचता हूँ कि आगे भी डेवलप करता रहेगा, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट्स और जिस तरह की फैसिलिटीज़ अभी हमें प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल से या स्टेट से, उसी हिसाब से बहुत अच्छा है ये। एंड आपको बेगूसराय से आकर यहाँ पे रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग कल ही आए थे, तो थोड़ा कुछ वर्क भी था, तो हमने वहाँ से टाइम निकाल के मैंने सोचा कि नहीं, जाके वहाँ पे विजिट करना ज़रूरी है। जब वर्ल्ड का अगर कहा जाए तो इंडिया में ऐसे सिर्फ 4 टेम्पल्स हैं और 4th यहाँ पे है, यानी पूरे बिहार में सिंगल है। डेफिनेटली जब यहाँ पे आए हैं तो विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़।